स्पॉन्सर्ड बाय मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। नमस्कार, हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के डिमांड पर अब हम आपसे मिलेंगे मंडे टू सैटरडे एक नए मेडिकल प्रॉब्लम लेकर। हमने आपकी सहूलियत के लिए कुछ और बदलाव भी किए हैं। बहुत से लोग जिनके नंबर यहाँ पर नहीं लगते वो ईमेल के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिनके जवाब मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर आपको देंगे। तो आप हमें yourquestion@maxhealthcare.com पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैंसर क्यों होता है और कैंसर क्या है, क्या आज भी ये लाइलाज है, क्या इससे बचा जा सकता है, कैसे पहचाने इसे और क्या है इसका इलाज। अगर आप इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो तुरंत फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043863 01725043865। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कैंसर से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिन गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता कई सालों से भारत के नामी अस्पतालों में कैंसर का इलाज करते आ रहे हैं और यह कीमोथेरेपी के स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर सचिन, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डीएम नाइट चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर सचिन, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि कैंसर क्या है। कैंसर बेसिकली एक अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन है। हमारी बॉडी में नॉर्मल तौर पे हमारे जितने भी टिश्यूज हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो एक ही शेप और स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, पर कभी कभी कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती हैं सेल्स में जिसकी वजह से सेल्स मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं और बॉडी का उस पर कंट्रोल नहीं रहता। तो एक मल्टीप्लाई कर करके सेल्स एक गुच्छा बन जाता है, टिश्यूज का मास बन जाता है, फिर वो और बड़ा होकर ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे जो रक्त कोशिकाएं हैं, नसें हैं, उनके थ्रू ये ब्लड में सर्कुलेशन में जाके बाकी ऑर्गन्स में स्प्रेड कर सकता है। तो इसको हम मैलिग्नेंट कैंसर बोलते हैं, जो कैंसर स्प्रेड करने की ताकत रखते हो। सो कैंसर एक बीमारी नहीं है, हर अंग का कैंसर डिफरेंट है। ब्रेन कैंसर एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, गले का कैंसर डिफरेंट है, फूड पाइप का डिफरेंट है, ब्रेस्ट कैंसर जो स्तन कैंसर है वो डिफरेंट है, इसी तरह से लंग्स का कैंसर, फेफड़े का कैंसर जो है। सो हर कैंसर हर अंग का डिफरेंट है, उसमें भी अलग अलग तरह के सेल्स के टाइप्स हो सकते हैं कैंसर में, और उनका बिहेवियर भी डिफरेंट तरीके से हो सकता है। सो व्हेन वी से कैंसर, इसका मतलब एक बीमारी नहीं है। हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्गन है, कौन सी स्टेज है और कौन सा टाइप है। जैसे कि आपने कहा है कि एक तरह का कैंसर नहीं होता, बहुत सारे टाइप्स होते हैं और अलग अलग अंगों में कैंसर होते हैं। तो भारत में कौन कौन से कैंसर होते हैं जो बड़े ही कॉमन है? हमारे देश में तो मैं ऐसे महिलाओं में और पुरुषों में आपको बताता हूँ अलग अलग। महिलाओं में बच्चेदानी का मुंह जिसको सर्विक्स बोलते हैं, वो कैंसर नंबर वन पे है। देन दूसरे नंबर पे स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर है, और ओवरी अंडकोश का कैंसर भी बहुत कॉमन है। इसके अलावा लिम्फोमास, लंग कैंसर, आंत का कैंसर, ये भी काफी महिलाओं में कॉमन है। और पुरुषों में अगर देखें तो लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट मतलब गदूद का कैंसर जो है, और मुंह के और गले के कैंसर जो कि तंबाकू और स्मोकिंग की वजह से हैं, ये भी बहुत कॉमन है। इसके अलावा लिम्फोमा जो कि गांठों, जो लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे, लिम्फोमा भी काफी कॉमन है हमारे देश में, और आंत का, पेट का, गॉल ब्लैडर का, ये कैंसर भी काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि ये सारे काफी कॉमन है हमारे देश में। मैक्स अस्पताल में कैंसर का काफी अच्छे ढंग से इलाज किया जाता है, तो उसमें किस तरह के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं कैंसर के लिए? क्या कुछ अवेयरनेस है या फिर किस तरह के प्रोग्राम्स हैं? मैक्स हॉस्पिटल ने बहुत कोशिश की है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर का जो सेटअप बनाया जाए इस रीजन में। पंजाब में इंसिडेंस बहुत ज्यादा है कैंसर का, और कोई सेंटर ऐसा नहीं था जिसमें ये सारी सुविधाएं एक छत के नीचे अवेलेबल हो। तो हम कैंसर की डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन, स्क्रीनिंग मतलब जो लक्षण शुरू होने से पहले ही कैंसर को पकड़ लिया जाए, वो टेस्ट भी सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। उसके अलावा कोई पेशेंट अगर कोई सिम्टम्स लक्षण लेके आता है तो जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो सीटी स्कैन है, चाहे एमआरआई है, ब्लड टेस्ट है, ट्यूमर मार्कर है, और कोई बायोप्सी लेनी है, और कोई स्पेशल टेस्ट करने हैं उसके, आजकल फ्लो साइटोमेट्री, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे हम कैंसर को जल्दी और काफी उसकी जो सब टाइप है उसको बारीकी से देख सकते हैं। एंड सो वी हैव ऑल द
कीमोथेरेपी डिपार्टमेंट, रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, तो सारे डिपार्टमेंट्स मिलके एक फैसला लेते हैं कि कैंसर को कैसे, एक पर्टिकुलर पेशेंट के कैंसर को कैसे ट्रीट करना चाहिए। जी। तो ट्यूमर बोर्ड मीटिंग भी हम करते हैं जिसमें सारे डिपार्टमेंट के लोग इकट्ठे बैठ के सलाह कर सकते हैं कि बेस्ट इलाज कैसे हो सकता है उस मरीज का। और हमारे पास रेडियोथेरेपी की भी सबसे आधुनिक टेक्निक अवेलेबल है, IMRT टेक्नोलॉजी है, ब्रेकी थेरेपी है, जिससे कि कैंसर वाले हिस्से को ज्यादा रेडिएशन देके क्योर किया जा सकता है और उसके आसपास के जो नॉर्मल हिस्से हैं उनको रेडिएशन के प्रभाव से बचाया जा सकता है। जी। तो ये काफी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि इस रीजन में प्राइवेट सेक्टर में पहली बार आई है। जी। और काफी अच्छे पैकेजेस भी हैं लोगों के हेल्प के लिए। जी। और सो जो मोस्ट ऑफ दी जो ट्रीटमेंट है कैंसर के इस वक्त जो अवेलेबल है वो हमारे सेंटर में उपलब्ध है। जी। जैसे किसी मरीज को कैंसर है तो वो किस तरह से, प्रोसेस क्या है वहाँ पर इलाज के लिए, वो किस तरह से मैक्स में जाए और किस तरह से वो इलाज कराए, क्या प्रोसेस पूरा क्या है और कॉस्ट क्या है? कोई भी मरीज कभी भी आ सकता है हॉस्पिटल में और हमारा जो फ्रंट डेस्क है उनको गाइड करेंगे कि स्पेशलिस्ट से कैसे मिलना है, उनके सिम्टम्स और उनके ऑर्गन के हिसाब से मरीज को गाइड किया जाएगा। जी। सो एक स्पेशलिस्ट पहले एग्जामिन करेगा, जांच करेगा, कुछ टेस्ट, इनिशियल टेस्ट कुछ ऑर्डर करेंगे पहले, उसकी जांच के आधार पे कुछ और टेस्ट जो करने पड़ सकते हैं जैसे बायोप्सी है या CT स्कैन या MRI है और बोन मैरो है, ब्लड टेस्ट है, मार्कर्स हैं, तो एक डायग्नोसिस बनाया जाता है पहले। सो एक तो कैंसर की जानना है किस ऑर्गन का कैंसर है और कौन सी टाइप है। जी। डॉक्टर सचिन, हम बात करेंगे आगे भी इस बारे में, फिलहाल एक कॉलेज जुड़े हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आप अपना नाम बताइए। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सचिन से। सबसे पहले आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए। जी, और आप अपना सवाल पूछिए। आप अपने पहले टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, फिर आप अपना सवाल डॉक्टर सचिन से पूछिए। हाँ जी, मैं बंद करता जी, बाहर चल रहा है। जी। हाँ जी, मतलब की जेडी कैंसर की बीमारी जी, पहले बहुत मतलब 6-7 साल चलती थी, बंदा होता थी, अच्छा 3-6 महीने में यह मरीज है, 3-6 महीने में पता चलता डेड हो जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जो कैंसर का जो इलाज है पहले से बेहतर है और मरीज पहले से ज्यादा जी सकते हैं अच्छे इलाज के साथ। ये डिपेंड करता है कि कौन सी किस्म का है और कौन से ऑर्गन का है, कौन सी स्टेज का है। अगर कोई एडवांस स्टेज में डायग्नोज हो रहा है तो लाइफ स्पैन, जो जिंदगी कम रह जाती है, तो उन केसेस में सब लोगों को नहीं बचा पाते हैं, पर अर्ली स्टेज में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और 80-90% तक लोग क्योर भी हो जाते हैं अर्ली स्टेज में अगर पकड़ा जाए। एक तो केस होया जी ऐसे पिछले शेर पर, तो उसने रिश्तेदारी तो मतलब 3 महीने के बीच में खत्म हो गई। नहीं, फिर वो उसमें ऐसे है कि बीमारी पकड़ी ही लेट गई है इनके केस में और इलाज का समय नहीं रहा या इतनी बढ़ चुकी थी कि प्रॉपर इलाज संभव नहीं था उस टाइम। सो कोशिश यही होनी चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि कैंसर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, स्क्रीनिंग टेस्ट करके लक्षण होने से पहले उसको पकड़ लो, और कोई भी अगर कोई लक्षण आता है, सिम्टम आता है, कोई दर्द है, कोई फोड़ा है, कोई जख्म है, कोई अल्सर है, कोई गांठ है, तो जल्दी से उसका चेकअप करा लेना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद डॉक्टर सचिन, हमारी बातचीत जारी रहेगी, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि हमें आपके फोन का इंतजार है। आप अपने सवाल फोन के जरिए पूछ सकते हैं और अगर डॉक्टर से सवाल पूछने के दौरान आपके फोन लाइन व्यस्त मिले तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी yourquestion@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कैंसर से जुड़ी हुई समस्या के बारे में हमारी बातचीत जारी है। अगर आप भी इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए नंबर मिलाएं, हमारी फोन लाइंस खुली हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिन गुप्ता। अगर आपको फोन करने के दौरान आपका नंबर व्यस्त मिले तो हमारे स्क्रोल में आप देख रहे होंगे रिस्पॉन्स करके एक ईमेल आईडी जा रहा है जिस पर आप फोन कर सकते हैं। डॉक्टर, हमारे साथ
साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं। जी आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर सचिन से। डॉक्टर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, यादव सर बताइए। मेरे गले में सर बोलने में तकलीफ होती थी तो वोकल कार्ड का बायोप्सी करवाया था। ओके, तो बायोप्सी तो नॉर्मल आया है सर, परंतु फिर भी मेरे गले में और जुकाम के आसपास थोड़ा दर्द बना रहता है और जब भी मैं कोई ठंडी चीज लेता हूँ तो तकलीफ और बढ़ जाती है। ओके, इसका सर पीएमएस का सीटी स्कैन भी करवाया है सर, तो नाक के अंदर डॉक्टर ने सूजन बताई थी। तो सीटी स्कैन में कुछ सूजन आई है? हाँ सर, उन्होंने सूजन ही बोला था सर मैंने तो। ओके आप कोई स्मोकिंग या तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं? जी नहीं सर। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं किया? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं किया। तो आपके डॉक्टर ने आपको बताया जो सूजन है उसकी कोई बायोप्सी ली जा सकती है? ऐसा नहीं बोला सर हमने, बस सूजन है कि हो जाएगा और काफी समय से है तो हमने कुछ बोला नहीं कि दवाई दे और ठीक हो जाएगा। आपका प्रोफेशन, आप काम क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ सर। टीचर है, देखिए टीचर्स को काफी बोलना पड़ता है, कई बार इस वजह से गले में दुखन रह सकती है। जो एक ईएनटी स्पेशलिस्ट जो गले के डॉक्टर है, अंदर झांक के देखने कोई वोकल नोड्यूल तो नहीं बन रहा है जी। तो उसका कुछ नोड्यूल की छोटी सर्जरी से फायदा हो सकता है आपको शायद, पर पहले देखना पड़ेगा है क्या उसमें। ओके, देखिए अगर ये तकलीफ बहुत ज्यादा समय से चल रही है तो इसके कैंसर होने के चांसेस कम है। कैंसर वाला अगर कोई सोजिश होती तो अब तक काफी बढ़ चुकी होती, तो मेरे ख्याल से आपको निश्चिंत रहना चाहिए। पर एक बार एक अंदर से झांक के अगर आपके गले के स्पेशलिस्ट जांच कर ले तो समस्या हल हो सकती है, एटलीस्ट हम निश्चिंत हो सकते हैं कि कैंसर नहीं है। जी आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं? मैम मैं सर स्मिथी कॉलिंग फ्रॉम हिसार। जी आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सचिन से। हाँ जी हेलो सर। हाँ जी हाँ जी निधि जी बताइए। सर आई वांट टू कंफर्म, 4 years बैक मेरे फादर को सीएलएल भी हुआ था। सीएलएल? सीएलएल बी। ओके ओके, उसके बाद ही वॉज ओके फ्रॉम लास्ट 4 years। अब उनका डायग्नोज हुआ है डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा में कन्वर्ट हो गया था वो। ओके ओके ओके, नाउ ही इज गेटिंग हिज कीमो, 2 chemos आर डन, ही इज ओके नाउ। सो आई जस्ट वांट टू कंफर्म इट विल बी ओके फॉर हिम, लाइक द कीमो सेशंस आर गोइंग ओके, सो इट्स क्यूरेबल। देखिए जो डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा है काफी हद तक क्यूरेबल है। हाँ जी, और इनकी स्टेज क्या बताई है डॉक्टर्स ने? स्टेज उन्होंने हमें नहीं बताई, स्टेज नहीं अभी बताया। देखो काफी जो प्रोग्नोसिस है, जो आने वाले समय में कैंसर के दोबारा होने के चांसेस हैं कि नहीं, ये स्टेज पे निर्भर करता है सर। वैसे फिजिकली ही इज ओके, सेकंड कीमो सेशन के ड्यूरिंग सेशन उन्होंने डॉक्टर ने फिजिकली चेक किया तो लिम्फ नोड्स दोबारा अपीयर नहीं हुए बॉडी में कहीं पर भी। सो इसका मतलब है उनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कीमोथेरेपी से। हाँ जी, तो ऐसे केसेस में लगभग 6 कोर्स तक कीमोथेरेपी तक जाना चाहिए और उसके बाद फिर फॉलो अप जांच जो है 3-3 महीने पे चेकअप करवाते रहिए। ठीक है, तो काफी हद तक इसमें क्योर पॉसिबल है। हाँ जी सर। देखो किसी भी बीमारी में पक्का नहीं कहा जा सकता है वापिस आएगी कि नहीं, उसके लिए तो चेकअप जारी रहेगा। ठीक है सर। सो लेट्स होप, आशा करें कि ठीक रहें हमेशा। ठीक है सर। जी निधि आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर जैसे कि हम बात करें कैंसर के बारे में, क्या कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप होती है जिनको होने के ज्यादा चांसेस है? देखिए कैंसर नॉर्मली एज के साथ बढ़ता है, सो इट्स मतलब ये बढ़ती उम्र का रोग है।